हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, पवनदीप राजन और अनिता कांजीलाल से जुड़ी बड़ी खबर लेकर आया हूं। दोस्तों, पवनदीप राजन और अनिता की शादी के बारे में जब पवनदीप के माँ से पूछा गया तो उन्होंने इस शादी को लेकर क्या कहा, जानेंगे सब कुछ आज इसी वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों, 7 फरवरी को पवनदीप की बहन चांदनी राजन की शादी हुई और इस शादी में अनिता 2 दिन पहले यानी कि 5 फरवरी को फरीदाबाद से पवनदीप के साथ सीधे पवनदीप के घर गई थी। दोस्तों, शादी की हर रस्म में पवनदीप अनिता साथ दिखे और अनिता ने हर रस्म को एक फैमिली मेंबर की तरह निभाया। पवनदीप के घर पर अनिता को ढेर सारा प्यार मिला। अनिता को चांदनी की शादी में देखकर पूरे उत्तराखंड के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हुए। लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि पवनदीप अनिता एक भाई और भाभी की तरह हर रस्म को निभा रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि पवनदीप और अनिता की शादी को लेकर पवनदीप की मां ने क्या कहा। दोस्तों, पवनदीप की मां से जब पूछा गया कि अब तो चांदनी की शादी हो गई, अब पवनदीप की शादी को लेकर आपका क्या कहना है? दोस्तों, इस सवाल पर पवनदीप की मां ने कहा कि अभी तो हमने चांदनी की शादी कराई है, अभी 1-2 साल बाद ही हम पवनदीप की शादी के बारे में सोचेंगे। और उनसे जब पूछा गया कि आपको कैसी बहू चाहिए तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पहाड़ी लड़की पसंद है, पर घर में सबका यही कहना है कि जो पवनदीप को पसंद हो और पवनदीप का अच्छे से ख्याल रखे और साथ में दोनों एक ही कार्य क्षेत्र में कार्यरत हो, तो ऐसी बहू अगर हमें बाहर से भी मिले तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। पवनदीप की मां से जब पूछा गया कि अनिता के बारे में आपका क्या ख्याल है तो उन्होंने कहा कि दोनों अगर शादी करना चाहते हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझते हैं और दोनों एक ही फील्ड में काम भी करते हैं और एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखते हैं। दोस्तों, पवनदीप की मां की बातों से तो यही लगता है कि उन्हें अनिता पसंद है। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब।